ये तस्वीर हम आपको घरोंडा नगर पालिका की दिखा रहे हैं और चुनाव चल रहा है और हर कोई इस चुनाव में हिस्सा लेना चाह रहा है और चेयरमैन पद के चुनाव की जहां लड़ाई है वहीं साथ ही साथ पार्षद पद की भी लड़ाई है। आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन पद के लिए वो सुरेंद्र कुमार यहां पर खड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी कई कैंडिडेट हैं, अलग अलग वार्ड से पार्षद पद के लिए भी कई उम्मीदवार खड़े हैं। और इसके अलावा अगर बीजेपी से नगर पालिका घरोंडा चेयरमैन पद की बात की जाए तो हैप्पी लक गुप्ता अपनी किस्मत अजमाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जहां जिस क्षेत्र में हम हैं इस समय वो वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9 का एरिया पड़ता है और तमाम लोग अपना वोट डालने के लिए अलग अलग जो पोलिंग बूथ है वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं घरोंडा नगर पालिका की है जहां पर तमाम उम्मीदवार अलग अलग वार्ड से और चेयरमैन पद के लिए डटे हुए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पोलिंग बूथ किया क्या स्टेटस है वो भी हम आपको बताएंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट डालने के लिए जा रहे हैं सर। मुद्दों में शहर की मतलब साफ सफाई और शहर का विकास हो, इसी के लिए मतलब की राजनीति है और कोई राजनीति नहीं है। और बाकी सारा शहर जानते हैं शहर में कैसा विकास हो रहा है, ये विकास के लिए प्रगति का साधन है जो लोग वोट करेंगे। बाकी तो लोगों की मर्जी है, आप कैसे भी करो अपना अधिकार सर। तो ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के साथ घरोंडा लगते वहां पर आप देखते हैं कि किस तरीके से जो है चुनाव आ चुके हैं। यहां पर आपको बता दें कि चेयरमैनी पद के जो है चुनाव लड़े जा रहे हैं तो वहीं जो है पार्षद पद के लिए जो है चुनाव लड़े जा रहे हैं। तमाम जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सभी जो है चुनाव जो चल रहे हैं उनके लिए जो है वोट डालने पहुंचे हैं, लेकिन सभी के जो है अलग अलग मुद्दे हैं। कोई विकास चाहता है, कोई अच्छी शिक्षा चाहता है, तो बच्चों के लिए जो कोई ग्राउंड चाहता है, इन्हीं आधार पर जो है तमाम लोग जो है यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। दूसरी ओर देखते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर जो है पहुंचती हुई नजर जरूर आ रही है। कोई बुजुर्ग है उसकी जो है व्यवस्था यहाँ पर लाने के लिए लाई गई है। यहाँ पर प्रशासन की ओर से व्हील चेयर का प्रबंध किया गया ताकि किसी भी व्यक्ति को जो है कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सभी लोग जो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। चार अलग अलग जगहों पर जो है चुनाव है। आपको बता दें कि घरोंडा, त्रावड़ी, निसिंग और असंध में जो है चुनाव है और वहां सभी जगह की जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है तस्वीरें दिखा सके, लेकिन देखते हैं कि इस समय जो हम घरोंडा में मौजूद है जहां पर आपको बता दें कि आज सुबह से जो है सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और शाम 6 बजे तक जो है चुनाव यहाँ पर लड़े वोट डाले जाएंगे। उसके बाद जो है 22 तारीख को जो है इनका नतीजा आएगा। देखना ही होगा कि किसकी झोली में जो है वोट पड़ते हैं। यहाँ पर तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, वोट डालने पहुंचे, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस लिए वोट डाले, किस आधार पर डाले, क्या देख रहे हैं बोल रहे भाई। हम तो वोट डाल रहे हैं, क्या देखते हैं, किसके वोट डालेंगे? बस यही है, विकास हो शहर का, काम हो, पहली बार चेयरमैन की वोट होगी घरोंडे के अंदर, देखते हैं क्या हो। तो क्या क्या विकास कर रहे हैं जो यहाँ पर लगता है आपको होने चाहिए, क्या क्या विकास कर रहे हैं, रुके हुए हैं? काम तो बहुत है जी सर, क्या क्या सड़कें रुकी हुई है जी, रोजगार, सड़कें नहीं बनी हुई है और भी बहुत काम है जी। सभी के जो है देखते कि कोई ना कोई मुद्दे लेकर जो यहाँ पर पहुंचे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे वोट डालने पहुंचे, क्या क्या मुद्दे आपको लगता है कि जिन पर आप वोट डालेंगे? मुद्दे तो काफी हैं शहर के और पहली बार वोटों से चुनाव हो रहा है, पहले तो पार्षद चुना करते थे चेयरमैन को, और शहर के काफी मुद्दे हैं, काफी काम करवाना है। ठीक है, तो बिल्कुल काफी जो है मुद्दे इनकी तरफ से उठाए गए हैं कि काफी जो है विकास कार्य रुके हुए हैं, काफी अलग अलग जो कार्य हैं जो कि होने हैं उनके आधार पर जो है वोट डालने पहुंचे हैं। काफी महिलाएं भी यहां पर जो है देखते हैं कि वोट डालते हुए नजर जरूर आ रही है। पोलिंग बूथ जो है घरोंडा का हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम भारी संख्या में जो लोग हैं वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से जो है वोटिंग शुरू हो गई थी। लगभग जो है इन चारों जगहों पर जो है घरोंडा, असंध, निसिंग और त्रावड़ी में जो है 80,000 वोटर्स हैं। और आपको बता दें कि 96 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर जो है तमाम जो लोग हैं वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा देखा जाता है कि बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग जो है अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते, तो उनकी जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है, यहाँ पर लाया जाएगा उनको जो है व्हील चेयर के जरिए जो है अंदर पोलिंग बूथ तक जो है लेकर आया जाएगा ताकि कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो सुरक्षा की अगर बात करें यहाँ पर जो है पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि कोई भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। उसके लिए भी जो है देखते हैं कि अगर किसी को कोई सहायता की जरूरत होती है तो पुलिसकर्मी यहाँ उनके पास जाकर जो उनकी सहायता करते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो उनको समझाया जाता है कि यहाँ पर जो है तमाम जो पुलिसकर्मी है वो भी तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि इलेक्शन है और ऐसे में देखा जाता है कि कई बार देखा जाए अप्रिय घटना होने का कहीं ना कहीं खतरा रहता है, डर रहता है, उसको देखते
इकट्ठे हुए, जो है पुलिस भी तैनात कर दी गई है। फिलहाल 22 तारीख को देखना होगा कि ये नतीजे जो है किसके पक्ष में आते हैं, किसकी जीत होती है। फिलहाल कई क्योंकि लोगों को जो है तमाम अलग अलग मुद्दे हैं, किसी को जो है रोजगार का मुद्दा है, किसी को जो है कार्य जो है जो कार्य रुके हुए हैं, किसी को स्कूल का शिक्षा का मुद्दा है, किसी को जो है बच्चों के लिए जो है खेलने का मुद्दा है, उसी को आधार पर जो है वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नगरपालिका चुनावों की, और अब की जो तस्वीर है वो घरोंडा नगरपालिका की है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, और तमाम लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, और तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं कि लाइनों में लगी हुई हैं। उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं, किन मुद्दों को आंटी जी ध्यान में रखा जा रहा है जिसके बाद आप वोट डालेंगे, तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या क्या विकास के काम होने चाहिए घरोंडा के अंदर। जो अच्छे विचार हैं, जो अच्छे विचार हम चलेंगे तो अच्छे विचार है, जो अच्छे वोट जो नहीं है तो उससे कुछ आ जाए, जो अच्छा है वोट जो नहीं है जो अच्छा ही बनाएंगे तो अच्छे विचार है भाई, हमें यह जाना फायदा होना चाहिए बच्चों को। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और एक तस्वीर और है, पोलिंग बूथ यहाँ पर भी बनाया गया है, पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है, और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम युवा हमारे साथ हैं, किस तरीके से देखते हैं घरोंडा में क्या क्या मुद्दे हैं जिनके ध्यान में रखते हुए आप वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। सर अभी इलेक्शन का टाइम होता है तो अभी हम चाहते हैं कि ऑन द स्पॉट हम किसी चीज पे कमेंट करें। नहीं, मुद्दे क्या क्या हैं आपके हिसाब से घरोंडा में, क्या क्या विकास के काम? सर मुद्दे तो बहुत है, लेकिन सर आज के दिन मैं ठीक ही समझता है कि हम इन चीजों पे कमेंट कर ले। आपके हिसाब से क्या क्या मुद्दे हैं घरोंडा के अंदर? कोई मुद्दे नहीं जी, स्टैम्प वोट का टाइम हम कुछ नहीं बोलते। आपके हिसाब से मुद्दे क्या क्या हैं घरोंडा के अंदर? तो बहुत है जी, जैसे कि सड़क निर्माण है, या फिर पानी की निकासी है, बारिश आती है तो पानी जैसे इकट्ठा हो जाता है तो उससे हम थोड़ा निजात चाहते हैं, हम चाहते हैं ये इस चीज़ पे काम हो, तो विकास का काम हो जाए। नए चेयरमैन आएंगे उनसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारे मुद्दों को पूरा करें। तमाम मुद्दे यहाँ पर लोगों की तरफ से बताए गए हैं, आपके हिसाब से क्या क्या मुद्दे हैं घरोंडा में, कैसे विकास के काम होने चाहिए? सर मेन तो सड़कें खराब है यहाँ की, सड़कें ठीक होनी चाहिए सबसे पहले तो सड़कें ठीक होनी चाहिए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं घरोंडा नगर पालिका की, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं और अपना वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से घरोंडा नगर पालिका के अंदर जिन पर चुनाव हो रहा है, क्या क्या विकास के काम चाहते हैं घरोंडा में? बस अच्छे से अच्छा हो, काम जो भी करें सब अच्छा ही। क्या क्या परेशानी आती है, सड़क सफाई सब ठीक। ये तस्वीर हम आपको घरोंडा नगर पालिका की दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग बूथ बने हुए हैं, और इन बूथ पर तमाम लोग पहुंचकर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। घरोंडा नगर पालिका, असम नगर पालिका, तरावड़ी नगर पालिका, और साथ ही साथ निसिंग नगर पालिका जहां पर चुनाव हो रहा है करनाल के अंदर, और हर शहर की तस्वीर हम आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हो रहा है, सुबह 7 बजे से ये चुनाव शुरू हो गया है, शाम 6 बजे तक ये चुनाव होगा, और जो व्यक्ति लाइन में लग जाएगा वो अपना वोट डाल के ही बाहर आएगा। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है, संवेदनशील बूथों पर पुलिस बल तैनात है, अति संवेदनशील बूथों पर ज्यादा पुलिस बल तैनात है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और आज चुनाव का दिन है, 22 तारीख को नतीजों का दिन है, और कौन बनेगा चेयरमैन, क्योंकि पहली बार हरियाणा के अंदर चेयरमैन पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले पार्षद ही चेयरमैन चुनते थे, लेकिन अब उनकी किस्मत का फैसला यहां की जनता करेगी, ईवीएम में वोट डालकर करेगी। और कौन बनेगा घरोंडा से, असन से, तरावड़ी से, निसिंग से चेयरमैन, पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।